केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शंकरपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का 9 दिसंबर को निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ क्रिकेट खेला और मैदान में दौड़ भी लगाई। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ दौड़ता हुआ एक पार्टी नेता गिर पड़ा और नेताओं कार्यकर्ताओं का दल आगे निकल गया। ग्वालियर के शंकरपुर में निर्माणाधीन अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वर्ष 2022 तक तैयार हो जाएगा। अब तक इसका 45% कार्य पूरा हो चुका है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निर्माणाधीन स्टेडियम का जायजा लेने पहुंचे थे। 61 बीघा में बनाए जा रहे स्टेडियम के निर्माण में 125 करोड़ से अधिक धनराशि लगेगी। इस दौरान डीएम की पिच पर क्रिकेट खेलने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौड़ लगाई तो सभी कार्यकर्ता उनके साथ दौड़ने लगे। इसी दौरान भाजपा नेता संजय शर्मा का पैर फिसल गया और वह औंधे मुंह मैदान में ही गिर पड़े, लेकिन कार्यकर्ताओं और नेताओं का पूरा दल दौड़ते हुए आगे निकल गया। स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान सिंधिया पैड व ग्लव्स पहन हाथों में बल्ला थाम क्रिकेट खेलने से नहीं चूके। पार्टी के नेताओं ने उनके लिए बॉलिंग की, लेकिन उन्हें उनकी गेंद पर खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इसके बाद जीडीसीए के चीफ कोच विजय प्रकाश शर्मा बेट्टू ने गेंद थामी, जिस पर उन्होंने जमकर शॉट लगाए। उनकी यॉर्कर वह बोल्ड हो गए। क्रिकेट खेलने के बाद सिंधिया ने सभी से मैदान में सामूहिक रूप से दौड़ने के लिए कहा। 100 मीटर दौड़ में संजय शर्मा आधी दौड़ में ही औंधे मुंह गिर पड़े। Yeah.